नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी क्रिकेट और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। आईपीएल 2024 में सोमवार को खेला जाएगा गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला, और इस वीडियो में बात करेंगे कौन किस पर भारी है, कौन ताकतवर है, कौन कमजोर है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि कोलकाता नाइट राइडर्स जिस तरीके से खेल रही है, सबसे पहली टीम बनी है प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन गुजरात टाइटंस खेल रही है अपने घर में, यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में ये मुकाबला है। और बात करेंगे कौन किस पर भारी, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स भी बताएंगे, दोनों टीमों की ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, वो भी आप सभी लोगों को बताएंगे। इसके अलावा कौन सी प्लेइंग 11 खेलती हुई नजर आ सकती है, क्या कॉम्बिनेशन के तरफ से खेलते हुए नजर आ सकते हैं, किस तरीके से चेंजेस क्या हो सकते हैं, तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की, यानी कि हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। जब जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं, तब तब किसका पलड़ा ज्यादा भारी रहा है। हालांकि ज्यादा बड़ा सैंपल साइज नहीं है दोनों टीमों के बीच, यानी कि गुजरात और कोलकाता के बीच आईपीएल इतिहास में कुल 3 ही मुकाबले खेले गए हैं, 2 गुजरात ने जीते हैं, 1 कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है, लेकिन वो इतिहास है। यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स जिस तरीके से खेल रही है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जरूर नजर आ रही है। अब ग्राउंड स्टैट्स की बात करें, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में आईपीएल के कुल 33 मुकाबले खेले गए हैं, 15 पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं और 18 मुकाबले बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं, और एवरेज टोटल जो है पहली पारी का वो 173 रन है, और इससे ज्यादा की उम्मीद करती हैं टीमें जब पहले बल्लेबाजी कर रही होती हैं। अब बात करते हैं इससे पहले जब ये दोनों टीमें आमने सामने टकराई थी, इस सीजन दोनों टीमों की टक्कर नहीं हुई है, लेकिन जब 2023 यानी कि पिछले सीजन में ये दोनों टीमें टकराई थी तो गुजरात टाइटंस ने 7 विकेट से हराया था कोलकाता नाइट राइडर्स को। अब बात करें हालिया फॉर्म की, तो गुजरात टाइटंस चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर यहां पर खेलने वाली है, और केकेआर की टीम भी मुंबई इंडियंस को हराकर ये वाला मुकाबला खेलने वाली है। तो दोनों टीमें जीत का मोमेंटम, जीत का कॉन्फिडेंस अपने साथ लेकर यहां पर खेलने वाली हैं। अब बात करते हैं कौन किस पर भारी में ताकत की। सबसे पहले होम टीम गुजरात टाइटंस की क्या ताकत है, साय सुदर्शन के बल्ले से अब लगातार रन निकल रहे हैं, और ये काफी अच्छी चीज है, अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ रन बना रहे हैं। शुरुआती स्टेज में साय सुदर्शन से रन नहीं बन रहे थे, लेकिन अब साय सुदर्शन रन्स बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा शुभमन गिल के बल्ले से भी शतक देखने को मिला है, पिछले मुकाबले में क्या ताबड़तोड़ कमाल की बल्लेबाजी की थी, और ऐसा लग रहा था कि कुछ नए अवतार में शुभमन गिल नजर आए हैं। और इसके अलावा मोहित शर्मा भी लय में वापस आते हुए नजर आए, पिछले 2 मैचेस अगर आप उठाकर देखेंगे तो डिसेंट गेंदबाजी मोहित शर्मा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जीटी की कमजोरी की बात करें तो राशिद खान की गेंदबाजी में जो जादू देखने को मिलता था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गायब होता हुआ दिखाई दिया, और मिडल ऑर्डर की जो बल्लेबाजी है वो भी थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है। डेविड मिलर उतने ज्यादा अच्छे टच में नजर आ नहीं रहे हैं, शाहरुख खान भी उतने अच्छे टच में नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें राहुल तेवतिया, राशिद खान, डेविड मिलर, तो ये जो मिडल ऑर्डर है ये थोड़ा सा वीक जरूर नजर आ रहा है। अब बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की, जो पहली टीम बनी प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए। केकेआर की बल्लेबाजी, दमखम इस बल्लेबाजी में आपको नजर आता है, फिल सॉल्ट, सुनील नारायण, उसके बाद अगर आप देखेंगे आंद्रे रसल आते हैं, रिंकू सिंह आते हैं, तो कमाल का बल्लेबाजी का लाइनअप है इनका, और बल्लेबाजी में डेप्थ भी नजर आती है। और सबसे जो बड़ी ताकत है कोलकाता नाइट राइडर्स की, स्पिन का जाल। सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती जिस तरीके से स्पिन का जाल बिछाते हैं वो 8 ओवर्स बाकी सारी टीमों के लिए काल बन जाते हैं, तो यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इसके अलावा तेज गेंदबाजी में भी मिचेल स्टार्क और हर्षित राणा डिसेंट परफॉर्म कर रहे हैं, और हर्षित राणा अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं केकेआर की कमजोरी क्या है। इनके कप्तान श्रेयस अय्यर आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं, बल्ले से रन्स निकल नहीं रहे, और जब रन्स निकल भी रहे हैं तो 100-125 के स्ट्राइक रेट के आसपास से रन्स निकल रहे हैं, यानी कि रन बॉल खेलते हुए नजर आ रहे हैं, श्रेयस अय्यर इज आउट ऑफ फॉर्म। इसके अलावा रिंकू सिंह भी अभी तक उतने ज्यादा अच्छे टच में नजर आए नहीं है, जो पिछले साल के रिंकू सिंह थे और इस साल के रिंकू सिंह थे दोनों में काफी ज्यादा अंतर नजर आ रहा है। और इसके अलावा इनके तेज गेंदबाज हैं वैभव अरोड़ा, वो भी कहीं ना कहीं रन जो है लीक करते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी गेंदबाजी में धार नजर नहीं आ रही है। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की। सबसे पहले गुजरात की बात करें, शुभमन गिल, साय सुदर्शन, शाहरुख खान, डेविड मिलर, मैथ्यू वेड, राहुल तेवतिया, राशिद खान, नूर अहमद, उमेश यादव, मोहित शर्मा, कार्तिक त्यागी और संदीप वॉरियर ये खेलते हुए नजर आ सकते हैं, प्रोबेबल 11 है। कोलकाता की बात करें, फिल सॉल्ट, सुनील नारायण, वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, नीतीश राणा, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह, मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोड़ा ये खेलते हुए नजर आ सकते हैं इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट के रूप में भी। तो यहां पर दोनों टीमों की प्लेइंग 11 भी बताइए, ताकत कमजोरी भी बताइए, आपको ग्राउंड के बारे में बताया, तो ये सब कुछ जानने के बाद आपको क्या लगता है
कोलकाता नाइट राइडर्स या फिर गुजरात टाइटंस। सोमवार के दिन आईपीएल 2024 में किसकी होगी जीत, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इंडिया टीवी क्रिकेट को तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।